विदिशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया के देशव्यापी आह्वान पर आज विदिशा पूर्णतया बंद रहा। व्यापारियों ने माधवगंज चौराहे पर धरना दिया व 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय में सौंपा। आज व्यापार बंद रहने से लगभग 9 करोड़ रुपए का व्यापार ठप रहा। अनाज, दवाई, सराफा, कपड़ा आदि व्यापार पूर्ण रूप से बंद रहे। जिला के केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने जुलूस निकाला जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि FDI एवं ई कॉमर्स लागू होने से नशे वाली दवाइयाँ एवं अन्य दवाइयाँ आम आदमी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, जो समाज के लिए हानिकारक होगा। छोटे छोटे गाँव में मरीजों को दवा उपलब्ध होने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। विदिशा से किशन स्वरूप सक्सेना की रिपोर्ट। देश की पूरी अर्थव्यवस्था चलाने वाला व्यापारी है, रीढ़ की हड्डी है। इसके एक सरकार से हमारा अनुरोध है, हमारे खुदरा व्यापारी के लिए विदेशी निवेशकों को दी जाए और हमारे खुदरा व्यापारी को 2-3% सालाना ब्याज दर पे लोन दिया जाए, जिससे हमारा व्यापारी अपना व्यापार बढ़ा सके। आज की तारीख में हमारा व्यापारी बैंकों में जाता है तो उसको ऋण की सुविधा नहीं दी जाती है। 50 प्रकार के कागज मांगे जाते हैं और उसके बाद भी लोन नहीं दी जाती है। और इसके अलावा 411-12 जो हमारे छोटा मोटा वाले व्यापारियों के ऊपर जो धारा लगी हुई है, इसमें गिरफ्तारी के प्रावधान को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए और जो भू संरक्षण किया जाए। और तीसरा पॉइंट ये है कि खाद्य सुरक्षा कानून जो 2006 में सरकार द्वारा बनाया गया था, 5 साल के बाद उसको लागू किया गया। उसके बाद भी इस कानून में विदेशी पत्तियों का कानून बनाया गया था, क्योंकि आज हमारे विदिशा के घर में क्या धूल नहीं। विदिशा में SC ST एक्ट का असर दिखने लगा है। विदिशा जैन समाज के प्रतिष्ठित अनाज व्यापारी अशोक सिंघई पर एक महिला ने पिछले दिनों SC ST एक्ट में विदिशा SP को आवेदन दिया था कि मुझसे छेड़छाड़ की है व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। इसके विरोध में आज सकल दिगंबर जैन समाज, संपूर्ण जैन समाजजनों ने एकत्रित होकर जिला SP कार्यालय में SP को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि सिंघई के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो सकल जैन समाज सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा। इस दौरान विदिशा प्रवास पर आए मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को भी जैन समाजजनों ने ज्ञापन सौंपा। विदिशा से किशन स्वरूप सक्सेना की रिपोर्ट। व्यापारी एकता, जिंदाबाद भाई साहब, जरा शांत। क्या मामला है आपको? किस मामला कोई नहीं है, मेरे को पता भी नहीं था। मेरा कोई सोना भाई करके पैसे पहले कभी काम करती हुई हमारी जगह दोस्त, एक साल पहले जब दुकान किराए पर थी, सिर्फ 1 महीने बोलिए 6 महीने पहले ली थी। इसके अलावा ना दुकान चल रही है, उस पर गलत रिपोर्ट डाली है, गलत रखना दिखाया जा रहा है। तो अभी क्या आश्वासन मिला यहाँ से? क्या आश्वासन मिला यहाँ? अभी आश्वासन नहीं मिला कि हम इसको देख रहे हैं, SP साहब ने बोला जाँच करते हैं, जो भी उचित होगा हम। मैं डॉक्टर राजीव चौधरी, सकल दिगंबर जैन समाज का अध्यक्ष हूँ और श्री अशोक सिंघई जी, इनका सिद्धार्थ ट्रेडिंग कंपनी का बहुत बड़ा काम है विदिशा में। वो जैन समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, समाज सेवी तो हैं ही, धार्मिक भी हैं। इनके खिलाफ जो है, एक महिला ने 20 तारीख को SP साहब के आवेदन दिया था जिसमें इनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि इनके साथ उन्होंने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया और अश्लील हरकत की, जो कि बिल्कुल निराधार और गलत है। और उसी के संदर्भ में हम पूरे सकल दिगंबर जैन समाज आज इनके समर्थन में यहाँ पर खड़ा हुआ है कि इनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई गैर कानूनी कार्रवाई ना हो पाए। जिस तरीके का भी माहौल चल रहा है, उससे बचने के लिए आज पूरा समाज यहाँ पर एकत्रित है और यदि इस संबंध में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो निश्चित ही पूरा समाज सड़क पर भले ही उतरना पड़े, आंदोलन को किसी भी रूप में ले जाना पड़े, हम इनको, इनके खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं होने दें।